नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे IRFC और RBNL स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर के काफी क्वेरी आते दिख रहे थे और यहाँ टेलीग्राम पे देखेंगे तो हमने हमारे फॉलोअर्स को कहा कि इस समय जो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि आप इग्नोर करेंगे फ्रेश बाइंग करने से। और यहाँ देखेंगे कि इन्होंने काफी खुशी जाहिर करी और आज जो गिरावट रही उसके क्या कारण रहे, क्या इंडिविजुअल कुछ बुरी खबर है? बिल्कुल नहीं, ये जो ट्रेंड है ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, क्योंकि बाजार में भी एक सेंटिमेंटल आज ट्रेंड वीक है और जिसके कारण इस दोनों स्टॉक में भी, यहाँ भी IRFC में 7% और RBNL में देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास की गिरावट दिखी। एक बार इसके चार्ट और लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। जब स्टॉक इस प्रकार से कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड कंटिन्यू करे और आप अगर इस जोन तक नहीं खरीद पाए तो आपको इग्नोर करना चाहिए। सपोर्ट जोन क्या हो सकता है इसका? 120-40 सपोर्ट जोन हो सकता है। फ्रेश बायर इस जोन में नजर लगा सकते हैं, बाइंग के लिए इस समय बिल्कुल इग्नोर करेंगे। क्या अगेन 20 दिखेगा? आई डोंट थिंक सो। क्या 120-140 दिख सकता है? पर्सनली दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे तो RBNL का भी क्या था, यहां से कंसोलिडेट करा, यहां से कंसोलिडेट करा, ट्रेंड कंटिन्यू करा, ये कहां तक दिख सकता है? ये लेवल देखेंगे तो 220-240 ये लेवल दिख सकता है। तो फ्रेश बायर इस जोन का वेट करेंगे, इस जोन में बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि ये ठीक ठाक गिरावट इस स्टॉक में मैं नेक्स्ट 3 to 5 डेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और जब स्टॉक ऐसे गिर रहा हो तो तुरंत इनिशियल फेज में लेने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ एवरेज करते करते जब आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मैक्सिमम लॉसेस भी आपके हो सकते हैं। तो पहले यहां से जो गिर रहा है तो गिर जाने दें, यहां सेटल हो जाने दें, उसके बाद के फिर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे।